कक्षा 7 प्रश्नावली 2.1 गणित का सवाल दिया है। प्रश्न 5 में निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो एक में दिया है 1/2, 3/4, 1/5, फिर दो में दिया है 3/7, 2/5, 3/5, 5। तो आइए इसको आरोही क्रम में हम बनाते हैं। हाँ, तो हल एक में 1/2, 3/4, 1/5 को समान भिन्न में बदलने पर हम पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हरों का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो 2, 4, 5 का हम निकालेंगे तो आएगा कितना एलसीएम, 20 आएगा। तो 1/2, 1/2 को हम समान भिन्न में बदलेंगे तो 2 को ये जो हर है इसको हम भाग देंगे इसमें 20 में एलसीएम में। तो 2 × 20 कट गया, कितना बार में, 10 बार में। तो अब एक जो अंश है इसको हम 10 में गुना करेंगे, तो 1 × 10 इसको 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, 2 × 20। तो 2 को 10 में गुना करेंगे, 2 × 20 इसका हो जाएगा, 1 को 10 में करेंगे गुना तो 10, 2 × 20। ठीक है, अब 3/4 का निकालते हैं, तो 3/4 इसको भाग देंगे 20 में, 4 × 5 = 20, 5 बार में कट जाएगा, तो 4 × 5 इसको हम गुना कर देंगे उतना ही में, 5 ही में, 3 × 5 5, तो 3 × 5 = 15 इसका हो गया, 4 × 5 = 20। हाँ, तो अब दिया है 1/5, तो 5 से 20 में भाग देंगे तो 5 × 6 = 20, 4 बार में कट गया, तो 5 को 4 में गुना कर देंगे, 1 को भी 4 में गुना कर देंगे, 1 × 4 = 4, 5 × 6 = 20। ठीक है, हाँ, तो यहाँ 10/20, 15/20, 4/20 दिए हुए भिन्नों का समतुल्य है। ठीक है, इसका बनाएंगे तो सबसे छोटा कौन है, 4/20, 4/20 से बड़ा कौन है, 10/20, 10/20 को लिख देंगे। अब इससे बड़ा कौन है, 15/20, 15/20 को लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फलता 1/5, 1/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद लिखेंगे 3/4, क्या है, आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है।